काँग्रेस अध्यक्षपद निवडणुकीत बोगस मतदान झाल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. बोगस मतदानाचा आरोप थरूर गटाने केला आहे. उत्तर प्रदेशातल्या मतपेट्या वेगळ्या ठेवण्याचा निर्णय त्यामुळे घेण्यात आलाय. काँग्रेसच्या निवडणूक समितीकडे याबाबत थरूर गटाने तक्रार केली. उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि पंजाबमध्ये बोगस मतदान झाल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर पेट्या वेगळ्या ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. देखिए, जो भी उनको कहना है वो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को कहेंगे और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री बहुत ही उन्होंने एक निरपक्ष भूमिका अदाया है, तो इस पे उन पे पूरा मेरा विश्वास है. डॉक्टर थरूर ने तो ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अगर अगर ऐसा होता तो हम तो फिर इलेक्शन लड़ते ही नहीं ना. पूरी हमें पता था जब इलेक्शन में लड़ने के लिए कि भाई इसमें तो यू नॉट हैव अ परफेक्ट इलेक्शन, परफेक्शन नहीं हो सकती, और हमारे ये बहुत देर के बाद हमारा इलेक्शन हो रहा है. मुझे लगता है जो भी है ये पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, और ये जो आगे को हमारे बाद आने वाली जो कैंपेन्स होंगी उनके लिए रास्ता हम एक हिसाब से हमने उनके लिए साफ किया. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे 24